सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लड़कियों का जीवन कितना पराधीन है, कभी सोचा है? स्त्रियों का जीवन शुरू से पराधीन रहा है। पैदा होती है तो मैया बाप के अधीन, थोड़ी सी बड़ी हुई तो भैया भी रूल करना शुरू कर देता है, कोई कमी नहीं छोड़ता। बड़े होकर ब्याह हुआ तो पति के अधीन, बच्चे हुए तो फिर बच्चों के अधीन। नारी का जीवन अधीनता का जीवन है। लेकिन एक बात कहें, रेल गाड़ी जब रेल की पटरी के अधीन होकर के दौड़ती है, स्वतंत्र होकर के नहीं, अपने लक्ष्य को पाती है। पतंग और पतंगा में अंतर कितना बड़ा है, जरा कभी सोचा है? एक डंडे का अंतर है पतंग और पतंगा। पतंगा स्वतंत्र होता है तो आग में जल जाता है, और पतंग अधीन होती है तो गगन को छू जाती है, आसमान छू जाती है। हमारे यहां हर तरह के उदाहरण है। अधीनता भी गगनचुंबी ऊंचाइयां प्रदान करती है, लेकिन वो जिसके अधीन है वो कैसा है ये उस पर भी निर्भर करता है। योग्य के हाथों हैं तो योग्यता की बुलंदियों को छू जाएंगी, और अयोग्य के हाथों हैं तो नरक में चले जाए। इसलिए परतंत्रता भी, हमारा समर्पण भी उस जगह हो जहां पर गगनचुंबी ऊंचाइयों को छूने की क्षमताएं हो। भगवती सीता माता राम जी के प्रति समर्पित हैं। समर्पण तो मंदोदरी का भी है, लेकिन मंदोदरी का समर्पण और भगवती सीता के समर्पण में अंतर है। सीता माता भगवान राम से कभी कोई प्रश्न नहीं करती, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक प्रश्न नहीं है। क्यों? संपूर्ण समर्पण है। जानती है जिनके प्रति मैं समर्पित हुई हूं वे जगत के मालिक हैं, वो जो करेंगे वही धर्म है। क्योंकि राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं, रामो विग्रहवान धर्म, लेकिन रावण रावण अधर्म का पुतला है। भले ही विद्वता इसके मंदिर मन मस्तिष्क में भरी पड़ी है, लेकिन रावण अधर्म का पुतला है। इसलिए मंदोदरी ने समर्पण से भी ज्यादा शिक्षिका बनकर के भूमिका भी निभाई है, बार बार समझाया है। तो समर्पण भी वहां जहां पर आप ऊंचाइयों को छू लो। नारायण, एक लड़की एक बिटिया, मैंने एक अंतर देखा गांव में, और संभवतः कुछ छोटे मोटे शहरों में भी। यह आपने भी अनुभव किया हो तो बताना। एक लड़का एक लड़की, भाई बहन दोनों, बाप का प्यार सबसे ज्यादा बेटी से हुआ है कि नहीं हुआ है, यह अनुभव है? चलो, अब अगर बहन को लाकर के, अपनी बिटिया को लाकर बाप ने एक चॉकलेट दी, एक ही चॉकलेट थी, बेटे को ना ला पाए, बेटी एक चॉकलेट लाएंगे तो बेटी को देंगे कि बेटे को देगा बाप, बताओ? 99.9% बिटिया के हाथ में देगा। एक बात, अब उस बिटिया के हाथ में चॉकलेट आई तो बेटे ने देख ली, बेटा जिद करने लगा, बाप वहां से खिसक लेगा, बीच में फंसना ही नहीं इनके। लेकिन अगर उस घर में बूढ़ी दादी ने देख लिया तो बताओ चॉकलेट बिटिया के हाथ में रहेगी कि बेटे के में? दादी का झुकाव तुरंत अपने बेटे, क्यों? मेरे कुल का दीपक है, तू तो ब्याह करके चली जाएगी, ये भावना रहेगी। तो किसी ने कहा है, जब से हुई सयानी लड़की
भूली राजा रानी लड़की, बाजारों से आते जाते होती पानी पानी लड़की, चॉकलेट भैया को भाए, खाती है गुड़धानी लड़की, सारा जीवन इच्छाओं की देती है कुर्बानी लड़की, चौका चूल्हा झाड़ू बर्तन भूल गई शैतानी लड़की, हल्दी बिछुए कंगन मेहंदी पाकर हुई वीरानी लड़की। ये बेटी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।